थाना न्यू आगरा क्षेत्र के अंतर्गत विगत 29 मई को नगला बूढ़ी में 9 वर्षीय बालक की गला रेतकर निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई को अंजाम देते हुए पूरी घटना का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से ब्लेड और मृतक बालक का लॉकेट भी बरामद हुआ है। थाना न्यू आगरा क्षेत्र के अंतर्गत नगला बूढ़ी में विगत 29 मई की रात्रि को जंगल में 9 वर्षीय बालक का शव पड़ा मिला था। शव की सूचना पर एसपी सिटी में फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए थे और घटना की जानकारी जुटाने में जुट गए थे। एसपी सिटी ने बताया कि धारदार हथियार से बालक की गला रेत कर बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे तलाशने में जुट गई थी। पुलिस ने पूरी घटना को चुनौती स्वरूप स्वीकार करते हुए जल्द ही पूरी घटना का पर्दाफाश करने का दावा किया था। पुलिस के हाथ एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी सिटी के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने महज 2 दिनों में ही अवोध बालक की हत्या का भंडाफोड़ कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी बालक के पास से एक ब्लेड, मृतक साहिल के कपड़े और साहिल का लॉकेट भी बरामद किया है। थाना क्षेत्र न्यू आगरा के नगला बूढ़ी एरिया में एक युवक, एक बच्चे की लाश पुलिस को मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। 29 मई का दिनांक है। मौका मुआयना सभी अधिकारियों द्वारा, फील्ड यूनिट, एसओजी टीम और थानाध्यक्ष, थाने की टीम द्वारा और कई अन्य थाना क्षेत्रों के थानाध्यक्ष द्वारा किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस यहाँ से पुलिस को प्राप्त हुए थे। डेड बॉडी को त्वरित जो है पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। इसमें नामजद तहरीर जो है बच्चा जो है उसकी मदर ने दी थी, उसी के पिता के खिलाफ, बच्चे के पिता के खिलाफ, तो उसका स्टेप फादर है, सौतेला नवाब है। परंतु जब पूरी घटना की छानबीन इसमें की गई तो किसी दूसरे अन्य व्यक्ति का हाथ इसमें नजर आया, तो उसकी नामजद की गलत कर दी गई। साथ ही में जो इसमें व्यक्ति इन्वॉल्व था, जिसकी सूचना हम लोगों को प्राप्त हो रही थी, उसका नाम सचिन है, तो उसी एरिया में रहने वाला नगला बूढ़ी का ही एक युवक है। 19 साल की उसकी आयु है। सुखबीर की द्वारा सूचना जो प्राप्त हुई थी उसके ऊपर हम लोगों ने विश्वास करते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने सारे डिटेल्स हम लोगों को बताए। ये जो लड़का है ये टीले पे बैठा हुआ था, फॉरेस्ट एरिया में जो छोटा सा बालक है इसकी हत्या हुई है, वो वहाँ से इसको गुजरते हुए दिखाई दिया। उसने उसको चॉकलेट इत्यादि का लालच देते हुए उसको अपने पास बुला लिया, फॉरेस्ट एरिया में लेके गया, उसके साथ गलत इसने काम किया। जो रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की उसमें भी ऐसे हुआ है। सारे डिटेल्स हम लोगों ने इकट्ठे किया। मौका मुआयना में हम लोगों को एक ग्रेड उनसे लगा हुआ वो मिला है। साथ ही में इसके पोजीशन में जो कपड़े उसने पहने थे उस दिन, उसमें कुछ ब्लड के स्टेन्स थे, उस वो भी कपड़े यहाँ से उसके घर से बरामद हुए उसी की निशानदेही पे। जो छोटा बच्चा जिसकी हत्या हुई है उसका एक लॉकेट इसके पोजीशन से बरामद हुआ है। कई सारे एविडेंसेस हैं और इसका कबूलनामा भी है जो इसने ये घटना की है। बहुत ही कम समय के अंदर टीम को एक अच्छी कामयाबी मिली है कि उन्होंने एक ब्लाइंड केस को अच्छे तरीके से वर्क किया। कोई इतिहास नहीं है, 19 साल का ये लड़का है और गलत नीयत से ये सारा काम हुआ है। क्योंकि उसको ये जानकारी हुई थी कि जब बच्चा घर जाएगा तो ये सारे डिटेल्स जो अपने पेरेंट्स को बता देगा, माता पिता को, परिजनों को बता देगा, इसी के डर के वजह से उसने उसका गला जो है वो काट दिया। रोहन प्रमोद ने बताया कि आरोपित युवक ने पहले बालक के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया। जब बालक ने सारी कुकर्म की बात अपने परिजनों को बताने की कही तो आरोपित ने साहिल का गला रेत दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और